कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ईडी के निशाने पर हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इस क्रम में ईडी ने उनसे संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। और हम जैसे आम आदमी के मन में हमेशा होता है कि फला बड़े आदमी के पास कितना पैसा है, तो चलिए आज हम आपको राहुल गांधी की संपत्ति के बारे में बता देते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने जो एफिडेविट जमा किया था, उसी एफिडेविट के आधार पर हम आपके सामने राहुल गांधी की संपत्ति की जानकारी रख रहे हैं। उस एफिडेविट के मुताबिक राहुल गांधी के पास 15 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है। 2014 में उनकी संपत्ति करीब 9.5 करोड़ थी। उनके ऊपर करीब 72 लाख रुपए का लोन भी है और उनके पास खुद की कार भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने 2019 में अपने एफिडेविट में बताया था। इसके साथ ही राहुल गांधी के पास चल संपत्ति 5 करोड़ 80 लाख 58 हजार 799 रुपए है और अचल संपत्ति 10 करोड़ 8 लाख 18 हजार 284 रुपए है। यह हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि चल और अचल संपत्ति होती क्या है। चल संपत्ति वो होती है जिसे आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कि पैसा, गहने और गाड़ी हो गई। और अचल संपत्ति वो होती है जिसे आप कहीं लेकर नहीं जा सकते, जैसे कि जमीन हो गई, मकान हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 के एफिडेविट के अनुसार राहुल गांधी के पास 40,000 रुपये कैश हैं और वहीं 17,93,000 रुपये अलग अलग बैंकों में जमा है। उन्होंने 5 करोड़ 19 लाख रुपये बॉन्ड शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। इसके साथ ही सुल्तानपुर में विरासत में मिली जमीन भी उनके पास है। उनके पास 333.3 ग्राम सोना है। साल 2017-18 में उनकी इनकम 1 करोड़ 11 लाख 85 हजार 570 रुपये रही। राहुल गांधी ने अपने इस एफिडेविट में बताया है कि इनकम का जो उनका सोर्स है, जहां से उन्हें पैसा मिलता है, जो उनकी कमाई का जरिया है, उसमें सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी, रॉयल्टी इनकम, रेंटल इनकम, म्यूचुअल फंड से मिलने वाला कैपिटल गेन है। तो ये है साल 2019 के आधार पर उनकी संपत्ति का ब्यौरा। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी देनी होती है कि आपके पास संपत्ति कितनी है, आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केस हैं, जो कि सार्वजनिक की जाती है। तो अब देखना होगा कि ईडी के सामने राहुल गांधी अपनी संपत्ति से जुड़ी क्या जानकारी देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आप एबीपी लाइव के साथ।